औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर हकीम काज़िम मुंतज़िर अल-हक़ सिद्दीकी है और मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब हूँ और आपकी मेज़बानी का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आज का मौजू बहुत उम्दा है, सब के फ़ायदे के लिए है, हम सब इसे खाते ज़रूर हैं मगर फ़ायद से लाइल्म है। तो आज मैं आपको खजूर के बारे में बहुत ख़ास चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप खजूर खाने पर मजबूर हो जाएंगे। खजूर कुदरत की तरफ से इंसानों के लिए एक नेमत से कम नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें तनावर फरमा कर जिहाद करते थे। यह वो वक्त था जब एक आदमी दस्यों पर गालब आ जाता था। साइंसदान इस बात की तहकीक कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ खजूर के अंदर है जिससे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो चंद खजूरों पर सारा दिन गुजार देते थे। खजूर के तिब्बी तौर पर सैकड़ों फ़ायदे सामने आए हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस अज़ीम अजवा खजूर में हर बीमारी से शफा है। यह मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि अगर निहार मुँह यह खजूर खाई जाए तो ये जहरों की तरियाक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मेरी वालदा मोहतरमा मुझे सेहतमंद बनाने के लिए बहुत इलाज करवाती रहीं। वो चाहती थी कि जब मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाऊँ तो मैं ज़रा तंदरुस्त हूँ, लेकिन किसी दवा से कोई फ़ायदा ना हुआ। अतः कि मैंने ताज़ा पकी हुई खजूरें और खीरे खाए और इनसे मैं नहायत तंदरुस्त हो गए। ये बुखारी व मुस्लिम की हदीस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि खजूरों में क्या क्या पाया जाता है। इसमें सल्फ़र, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, नशास्ता, कैलोरीज, चिकनाई, प्रोटीन और फाइबर होती हैं। विटामिन में से विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B6 पाए जाते हैं और विटामिन C भी इसमें पाया जाता है, विटामिन A भी पाया जाता है। बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं जैसे सेलेनियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर और सल्फर वगैरह भी इसमें मौजूद होते हैं। इसमें ग्लूकोस, फ्रक्टोज और सुक्रोज मौजूद हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह निहार मुँह खजूरें खाया करो, इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। अगर पुख्ता खजूरों को पानी में भिगोकर रखा जाए और पानी पिया जाए तो असाल रुक जाते हैं। मैदा और आंतों में सफरा यानी बाइल की ज़्यादती रुक जाती है। इसके अलावा ज़ख़म, अल्सर और आंतों का ज़ख़म, सोजशे मैदा के लिए खजूर का पानी पीना नहायत नफा बख्श है। नाज़रीन, खजूर इंसानी जिस्म को तकवीत देने वाला, खजूर को तकवीत देने वाला करार दिया गया है और इंतहाई सस्ता है मगर बे इंतहा फ़ायदेमंद टाना का ये खजूर जो है। भारतीय माहरीन ने इसे एसाब बा और जिस्म को ताकत देने वाला करार दिया है। इसको दूध में पकाकर इस्तेमाल करना ज़्यादा मुफीद है और एक वक्त में 5 तोला यानी 1 स्टांग से ज़्यादा ना खाई जाए। सर्दियों में रात सोते वक्त गर्म दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए तो दिल और दिमाग को ताकत देने में बेमिसाल है। ये तरकीब बाघ को कुवत देती है और असाबी कमज़ोरी को रफा करती है। छुहारा भी खजूर की ही एक किस्म है। इसका मिजाज खुश्क गर्म है, ये बलगम को खारिज करता है, चुनाचे खांसी नजरा ज़ुकाम के लिए मुफीद है। लो ब्लड प्रेशर में बतौर दवा और ग़िज़ा मुस्तमल है और इसके इस्तेमाल से कमज़ोरी रफा हो जाती है। ये खून के सुर्ख ज़रात को ज़्यादा करता है, इसलिए खून के सरतान में जबकि खून के सुर्ख ज़रात कम हो जाते हैं तो मुफीद है। छुहारा और खुश खजूर बहुत मुफीद है। सैलन रैम यानी लिकोरिया में अगर ख्वातीन इस्तेमाल करें तो रैम की तमाम अमराज में बेहतरी पैदा करती है। अस्तकरार हमल के लिए भी मुफीद है बल्कि मौसर है। कमज़ोरी से होने वाले कमर दर्द में भी मुफीद है। पेशाब की ज़्यादती जो बिला शक्कर हो, नीज़ बच्चों में पेशाब के कतरे टपकना वगैरह जुमला अमराज में छुहारा मुफीद है। अब फिर खजूर की तरफ आते हैं। टीबी के मरीजों को खजूर के पानी से फ़ायदा होता है। इसके इस्तेमाल से चेहरा सुर्ख हो जाता है और चेहरे की बेरौनकी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा खजूर कब्ज़ को दूर करती है, क्योंकि इसमें फाइबर की खासी मकदार होती है, लिहाजा ये कब्ज़ कुशा भी है। अजवा खजूर सुबह निहार मुँह खाना जहरों का तरियाक है। 7 अजवा खजूरें रोज़ाना खाने से कोढ़ तक को भी फ़ायदा होता है। दिल के दौरे में 7 अजवा खजूरें बम्बई गुठली के पीस कर खाएँ तो दिल के दौरे के लिए और दिल के अमराज के लिए बहुत मुफीद है।
खजूर जिस्म के हर हिस्सा के लिए मुफीद है। यकीन करें नाज़रीन, मैं खुद चंद दिनों से सुस्ती और थकावट महसूस कर रहा था, क्योंकि एक मरतबा एबटाबाद गया और दूसरी मरतबा वाह का सफ़र किया। जब खजूर की वीडियो बनाने के सिलसिले में इसकी स्टडी की तो बहुत सी नई मालूमात मुझे मिली जो मुझे भी खुद भी पहले पता नहीं थी। आज 3 रोज़ से रोज़ाना सुबह 3-4 दाने खजूर के खा रहा हूँ। यकीन करें कि तमाम सुस्ती और कमज़ोरी दूर हो गई है और नींद भी बहुत अच्छी आने लगी है। तो मैं खुद ये सोचने पर मजबूर हो गया कि वाकई खजूर एक बेहतरीन टॉनिक है। अगर मसलसल खानी हो तो नाज़रीन 2-4 खजूर सुबह काफ़ी है। बेहतर है कि 2 खाई जाएँ, ज़्यादा खानी हो 3 खाई जाएँ, बहुत ज़्यादा खानी हो तो 4 तक खा सकते हैं आप लगातार, अगर बहुत अच्छे करीब खानी है तो पिता और जिगर के फेल को भी ये दुरुस्त करती है। पेट के कीड़े भी इससे मर जाते हैं। दरख्त की शाखों में फूलों की जगह खुशबूदार गोंद निकलता है। इसके खाने से आंतें मजबूत होती हैं, दस्त रुक जाते हैं, सीना का दर्द दूर हो जाता है, थूक में खून आना बंद हो जाता है, हलक और सीना की जलन दूर हो जाती है, खांसी, ब्लड प्रेशर, चक्कर आना, गुर्दों की सोजश और कैह ख़त्म करता है। खजूर में कीमियावी जोहर है इनवर्टिस, जो इसकी शक्कर को फ्रक्टोज में तब्दील करता है, जिसे जिसम बासानी कबूल करता है। यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी नुकसानदेह नहीं होती। मेरा ज़ाती ख्याल है कि शुगर के मरीजों को 1-2 से ज़्यादा खजूर नहीं खानी चाहिए। खजूर आप चंद दिन खा कर चेक कर लें, 1-2 या 3 खजूरें, उसके बाद शुगर चेक करें, अगर ज़्यादा है तो छोड़ दें, और अगर नहीं है तो एज ए टॉनिक 1-2 खजूर रोज़ खा लिया करें। खजूर को दूध में उबाल कर खाने से फौरी ताकत मिलती है। यह दिल के मरीजों के लिए अक्सर है। गुठलियों को भून कर काफ़ी की शक्ल में पिया जाता है। खजूर को बम्बई गुठली पीस कर मतवातर खाएँ। दिल बढ़ जाने, ग्लूकोमा, काला मोतिया में बहुत मुफीद है। खजूर तपेदिक में भी बहुत मुफीद है। कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, खून के सुर्ख ज़रात RBCs को ज़्यादा करती है। इसके अलावा खजूर के अंदर ऐसे अज़ा पाए जाते हैं जो गुर्दों, मसाना, पिता में पथरी बनने से रोकते हैं। नाज़रीन, अगर अजवा खजूर ना भी मिले तो दूसरी खजूरें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, वो अलबत्ता थोड़ा ज़्यादा अरसा इस्तेमाल कर लेनी चाहिए तो फ़वाद इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। खजूर चूँकि दाफ़े कुलंज है और जलियों से सोजश दूर करके मसक्कन असरात रखती है, इसलिए बलगमी दमा के लिए बहुत मुफीद है। एक हकीम का कौल है कि अगर आज का मर्द 3 चीज़ें इस्तेमाल करे तो कभी बूढ़ा नहीं होगा। वो हैं खजूर, भुने हुए चने और पके हुए बैर। क्योंकि अगर देखा जाए तो हम जो चीज़ भी इस्तेमाल करते हैं इसमें खाद और केमिकल की आमेजश ज़रूर होती है, लेकिन खजूर इन चीज़ों से पाक है। हकीम तारक महमूद साहब फरमाते हैं कि मैं कोयटा से कम बेश 3.5 किलोमीटर दूर ईरान के सरहद खारान के पास गया। वहाँ हर तरफ खजूर के दरख्त थे। मालूम हुआ कि आज से कुछ अर्सा पहले यहाँ के लोग सिर्फ खजूर और पानी पर गुजारा करते थे। वहाँ मैंने बहुत अला दर्जा की खजूरें देखीं और सखर और कराची की मंडी में अक्सर वहाँ की खजूरें आती हैं जो बहुत अला दर्जा की लजीज और पुरकैफ होती हैं। हकीम साहब फरमाते हैं कि मैंने इसका शरबत पिया जो कि सुन्नत नबवी है। अलगर्ज नाज़रीन, इंसानी जिस्म की नशोनुमा के लिए खजूर मानी हुई दवा और गज़ा है। माहरीन के तजिए के मुताबिक जो अहम अज़ा सलाजीद के अंदर पाए जाते हैं वही अज़ा तकरीबन खजूर के अंदर भी पाए जाते हैं। सर्दियों और गर्मियों हर 2 मौसमों में खजूर इस्तेमाल की जा सकती है। अहम तिब्बी मरकब माजून आर्द खरमा है, ये खजूर का जो अहम तिब्बी मरकब है वो है माजून आर्द खरमा। उसमें खजूर और छुआरे की आमेजश होती है जो गुफ्ते मर्दमी और औरतों के रहम की कमज़ोरी और एसाबी कमज़ोरी और दीगर बलगमी अमराज में मुफीद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को जिगर के लिए तरियाक बताया है। फरमाते हैं जिस रोज़ कोई अजवा खजूर खाए और इस पर इस दिन जहर का कोई असर नहीं होगा। उन्होंने फरमाया जिस घर में खजूर ना हो वो लोग भूखे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी का वलीमा किया तो खजूर, पनीर, घी और जौ से हलवा तैयार किया गया। इस्लामी लश्कर का राशन आम तौर पर खजूर और सत्तू पर मुश्तमिल होता था। इस राशन पर मुजाहिदीन की जिस्मानी कुव्वतें दोबारा हो जाती थीं। उन्होंने नौजायदा बच्चों को खजूर की गुटी दी।
हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु को जिनको ज़िंदगी में जन्नत की बशारत दी गई थी फरमाते हैं कि मैं बीमार हुआ, मेरी इजादत को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे के दरमियान रखा तो इस हाथ की ठंडक मेरी छाती तक फैल गई। फिर फरमाया इसे दिल का दौरा पड़ा है, इसे हारिस बिन कलदा के पास ले जाओ। और साथ ही ये भी बता दिया कि हकीम को चाहिए कि 7 अदद अजवा खजूर गुठली समेत कूट कर मरीज को खिलाए। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु को दस्ते शफा मैसर आ गया था, हजूर के हाथ मुबारक में शफाई सलाहियत मौजूद थी। अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलते चलते अगर हाथ मुबारक किसी पागल को भी लग जाता तो वह तंदुरुस्त हो जाता था। नाज़रीन, ये था आज खजूर के बारे में प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको कुछ नई मालूमात मिली होंगी और उम्मीद है आप भी खजूर का इस्तेमाल करेंगे, 1-2-3 खजूर रोज़ सुबह खाएँगे तो किसी टॉनिक की ज़रूरत नहीं रहेगी। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल का भी ख्याल रखेंगे यानी कि सब्सक्राइब करेंगे और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आपको हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिए। तो पाकिस्तान जिंदाबाद।